दोस्तों ये वीडियो निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के आगरा से। इन मैडम का नाम है डिम्पी, जिन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड पे डंडे बरसाए हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये डंडे बरसाती हुई नजर आ रही हैं। यह महिला सरेआम अपनी दंगाई और गुंडागर्दी का सबूत दे रही है, क्योंकि ये खुलेआम किसी पुरुष पर हाथ उठा रही है, मतलब डंडे बरसा रही है। इसको लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे पुरुष की भावनाओं को आहत किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि पहले प्रियदर्शनी वाला केस लखनऊ से निकल के आया, नोएडा से निकल के आया एक रिक्शे वाले का केस, और अब निकल के आ रहा है डिम्पी। ये पेशे से एक शिक्षिका हैं, शिक्षिका होके यह एक सिक्योरिटी गार्ड को मारती हुई डंडा बरसाते हुए नजर आती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और लोग लगातार इसे वायरल कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि हमेशा ऐसा क्यों होता जा रहा है कि पुरुष ही दबता चला जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे केस, अनेकों केस आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं, चाहे वो जोमैटो के हों या फिर किसी भी चीज़ के केस हों, हमेशा पुरुष को ही दबाया जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। और बहुत सारी वीडियोज़ आप पहले भी देख चुके हैं, हमने पहले भी वीडियो दिखाई जहां पर एक रिक्शे वाले का रिक्शा हल्का सा एक मैडम की गाड़ी से टच हो जाता है, छू। इस वजह से मैडम उन्हें 17 बार मारती हैं और उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अरेस्ट कर लिया, लेकिन आदमी की इज्जत की वहीं पे उन्होंने धज्जियाँ उड़ा के रख दी। इससे लोगों को बहुत दुख होता है। वैसे तो लोग मानते हैं कि हमारे देश में इक्वालिटी है, लेकिन जब भी औरत और पुरुष में लड़ाई या फिर कोई भी विवाद होता है तो पुरुष को ही दबना पड़ता है, ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि आए दिन ऐसे केस आते रहते हैं। आपका क्या मानना है इस बारे में? क्या पुलिस को कुछ एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि कोई भी इंसान कानून को हाथ में नहीं ले सकता है, कोई भी इंसान अपनी आत्मरक्षा के लिए ही कानून को ले सकता है, ना कि किसी पर दंगाई या गुंडाई दिखाने के लिए। आपका क्या कहना है इस बारे में बताइए, कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बोलिए जय श्री राम।